नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया, वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला, ऐसा ये बजट है। स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह पर अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े इससे शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नितिन गडकरी को आपने सुना, उन्होंने कहा यह अच्छा बजट है, इसमें सैलरीड क्लास का ध्यान रखा गया है जो पहले नहीं रखा जाता था। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। मैम, यूनियन बजट को कैसे आप देखती हैं? सात एरियाज की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, युवा, तमाम लोगों की बात। मिडिल क्लास बनाना के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ और महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक उत्तम बजट प्रस्तुत हुआ है। लेकिन बजट को इस दृष्टिकोण से भी देखें कि ये प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों के प्रयास का एक प्रतिबिंब है। एक तरफ वित्त मंत्री जी ने कहा कि सप्तऋषि जो 7 अलग अलग पॉइंट्स गिनवाए, उनमें से कितने का खर्च सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है, जैसे कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन उनके घर तक पहुँचाने का खर्च 2 लाख करोड़ रुपये का सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। ऐसे कई कदमों का जो उल्लेख हुआ, उसकी मैं सराहना करती हूँ। मध्यम वर्ग का बजट है, बार बार इस बात को इस तरीके से रिपीट किया गया और 7 लाख का जिस तरीके से आपने एग्जेम्पशन लिमिट सुन ली है वित्त मंत्री जी के मुख से जब वो प्रस्फुटित हुए, तो आपने देखना चाहिए था। इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो फ्रॉम द मार्केट, इट्स गोइंग टू स्क्वीज आउट द प्राइवेट सेक्टर and therefore the economy is not going to kick start, and that's why you see a huge capital expenditure outlay from the government. So essentially dehorse the fluff on fundamentals, there is a weakness in the budget. तो आपने सुना, दो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को, स्मृति ईरानी जी के वाक्य जो थे उस पर ध्यान दें आलोक जी। मिडिल क्लास बोनांजा, ग्रीन एनवायरनमेंट और नितिन गडकरी जी ने इसके आगे जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। यही मंत्री थे पिछले साल 8 जून को, 10 लाख रोजगार देंगे, 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी और उसके बाद 1.25 लाख रोजगार दिए। यही सारे मंत्री थे ना, यही सारे मंत्री थे कोरोना के बाद। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज, आज 25 लाख करोड़ का पैकेज, आज 40 लाख करोड़ का पैकेज, और उसके बाद क्या हुआ, 8.5% से घट के GDP ग्रोथ रेट 6% पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो लेबर फोर्स जो लगती है 53% से 39% पर आ गई। एक्सपोर्ट 104 महीने के कार्यकाल में 99 महीने नेगेटिव है। पिछले साल 2021 का दिसंबर का एक्सपोर्ट है और जो 2022 का है 12% की गिरावट है। मेजर 17 सेक्टर्स में 6 से 34% की एक्सपोर्ट में गिरावट है। अच्छा, ये तमाम लोग जो है और देश को केवल गुमराह करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर आज की बात करूं, आगे की बात करें ना, बजट आज आगे के लिए आया है। अगर सरकार कह रही है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, सरकार कहती है कि हमारे ग्रीन इनिशिएटिव होंगे, तो क्या ये स्वागत योग्य है? नहीं है। मिडिल क्लास का अगर थोड़ा भी कितना भी भार हो, कम किया है, स्वागत योग्य है या नहीं है? देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव तो पिछले 9 साल से क्या नहीं ले रहे थे, वर्ल्ड की हर चीज निरंतरता में। आलोक जी, वर्ल्ड की जो 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें से 7 हिंदुस्तान की है मोदी जी के शासन में।
दिल्ली में 6 महीने सांस नहीं ले पाते, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। शशि थरूर यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव का, शशि थरूर आपके आपके सांसद कुछ कह रहे हैं आपकी पार्टी के। There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. तो लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी तारीफ भी की जा रही है अपने बजट की। राशिद किदवई जी, जो बात अभी शशि थरूर भी कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन का कोई जिक्र नहीं है, ये जो बजट आया है सबसे ज्यादा सबकी निगाहें इसी पर थी कि महंगाई में कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ होगा इस बजट से कि नहीं होगा? देखिए, आज हमें समझना चाहिए कि बजट का वो जो पहले वाला स्वरूप था वो बदल गया है। जीएसटी का टैक्सेशन है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी सरकार जो है अपने काम पूरे साल भर करती रहती है। मुझे लगता है मोदी सरकार की सबसे बड़ा एक उपलब्धि वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो एक अचीवमेंट की तरह, आप सड़क पर जाएँ, जो हाईवेज आप देखते हैं वो हाईवेज में काफ़ी सुधार नज़र आता है, काफ़ी बेहतरी नज़र आती है और उससे लोगों को एक सुखद एहसास होता है। देखिए, कांग्रेस जो है वो भाजपा की आलोचना करते रहे और उसको करना भी चाहिए, एक विपक्षी दल के नेता उसका हक है, लेकिन ये तमाम चीजें उसे देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एक इंप्लीमेंटेशन की बात आती है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप देखिए कितनी निर्मला जी ने जो स्कीम अनाउंस की, सब में कितने लुभावने उसके नाम थे, जो नाम से शुरू करते हैं, नाम एक ऐसा देते हैं कि जनता को एक सीधा एक मैसेजिंग हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो उसको अगर कांग्रेस को काट करनी होगी तो उन सब चीजों का भी उसे कोई अच्छा जवाब देना होगा। सरकार आपने सुना, उन्होंने कहा आप हाईवे बना रहे हो, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, टोल कितना ले रहे हो ये बताओ। एयरपोर्ट के बारे में विपक्ष कहता है इतने एयरपोर्ट आपने बना दिए, अगर उड़ान कितनी उड़ रही है, 2000 रुपए का टिकट होना था, आज कितने का टिकट है? देखिए, आज 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 दिल्ली से आदमी दरभंगा जा रहा है, दिल्ली से छोटी छोटी जगहों के ऊपर जो है, और मैं देखता हूँ कि पूरी मतलब फ्लाइट खचाखच भरी भी होती है, वो महंगाई महंगा जरूर, लेकिन लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं। सड़क आज ऐसा हो रहा है कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से हम जयपुर जो है 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, एक बार जब वो ईस्ट वेस्ट वो जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, देखिए इसके ऊपर भी मतलब फर्क होना चाहिए, हमें सिर्फ एक आलोचना की नज़र से ही केवल आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस पर बात करते हैं, रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। फ्रॉम रबर प्लांटर्स टू शुगर केन ग्रोअर्स टू कोऑपरेटिव टू स्किलिंग, as I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jowar, that is the true vision of the Prime Minister. My greetings, respect to him. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this budget speaks for. And sir, income tax exemption, it has been seen as a populism ahead of the elections. You, come on, you, whatever you say. After all, if the so much of infrastructure is coming, is it good for middle class or not? Roads being built, energy coming, digital India, mobile phone, all these also help the cause of middle class. You need to understand. Sir, rebate coming for tax, you know, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. कर लो कर लो, हमें हर बार आपके मेनी लोगर बढ़ा रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, middle class को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। अब आपका क्या? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है और उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, उसके बाद फिर वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आए, मोबाइल फोन डेटा इस सब की वो बात कर रहे थे। सोनू, एक रिएक्शन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए, नितिन गडकरी ने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि आज से पहले मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता था बजट में, आज टैक्स स्लैब में उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं, और ये तर्क होता था सरकार का भी, हम देखिए पुल सड़कें पुल बना रहे हैं, शहरों में मेट्रो चला रहे हैं, ये सब मिडिल क्लास ही तो इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस सरकार का पिछले 8 साल में एक उपलब्धि के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर गिनाया जा सकता है? देखो सौरभ, ऐसा होता है कि एक पुराना गाना है कि दिल मांगे मोर, आप जो कुछ भी करते हैं कुछ ज़्यादा की उम्मीद रहती है, राइट? तो हम लोग एज अ मिडिल क्लास तो हमेशा से सोचे थे जो टैक्स स्लैब रहता है, मैं तो बार बार उस पर आता हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न पैसे से ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो टैक्स स्लैब में बहुत ज़्यादा छूट का उम्मीद अपने को था पर्सनली एज अ मिडिल क्लास, वो उतना नज़र नहीं आता जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था उसमें भी और ये वाले बजट में भी। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है कि वो टोल लगेगा तभी आप चल पाएंगे, आज का देश की कहानी ये है, अगर आप टोल नहीं दे सकते तो आप चल ही नहीं सकते फिर। अब मतलब पहले कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था कि विदाउट टोल आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते अब कहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।